निश्चित रूप से सम्मान समारोह एक समारोह हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो भाव, जो भावनाएं हैं, वो आपके हृदय के तारों को झंकृत करने के लिए पर्याप्त हैं। गांधीनगर के साथ मेरा एक विशेष लगाव रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा चरखी दादरी से हुई है, वैश स्कूल, उसके बाद राजकीय स्कूल, उसके बाद जनता कॉलेज, यहीं से मैंने अपनी आधारशिला, मेरी शिक्षा की आधारशिला यहीं पर रखी गई थी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से शायद मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, लेकिन गांधीनगर और चरखी दादरी शहर की मिट्टी के साथ मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। दूसरी बात, मैं राष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में रहा कार्यरत, लेकिन जैसे कि मेरे भाई यहीं पे हैं काफी सालों से, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, मुझे इस क्षेत्र की समय पर हर बार सूचनाएं मिलती रहती थी। तो ये लगाव जो है, और जो बचपन का लगाव है, ये सदैव लगाव बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानता हूं समय का अभाव है, लेकिन एक बात जो मैं हर समारोह में कहता हूं और मैं अपना फर्ज समझता हूं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना केंद्र बिंदु, अपना अपना फोकस करूंगा, और वो है शिक्षा। हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से उन्नति कर गया, और हमारा क्या क्षेत्र, मैं पूरे हरियाणा के बारे में बात करूं, आर्थिक रूप से हम पूरी तरह से आगे हैं राष्ट्र में, लेकिन सामाजिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, इसे कोई मना नहीं कर सकता। और सामाजिक रूप से जहां पिछड़ेपन की बात आती है, तो वहां पर लड़कियों की शिक्षा और अन्य शिक्षा के बारे में भी, चाहे भले लड़कों की शिक्षा क्यों न हो, उसके बारे में हम अब भी पिछड़े हुए हैं। अगर हम पीढ़ियों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। अगर आप राष्ट्र में सामाजिक कल्याण लाना चाहते हैं, अगर आप क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, तो शिक्षा अति आवश्यक है। और शिक्षा भी केवल मौलिक शिक्षा नहीं, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा। इस सभा में शिक्षक बैठे हैं, इस सभा में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, इस सभा में वकील बैठे हैं, अनेक संगठनों के पदाधिकारी बैठे हैं, तो ये हम सब का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शिक्षा को बढ़ाएं। विप्र फाउंडेशन, ब्राह्मण सभा, इन लोगों ने सम्मान किया, मैं आभारी हूं उनका, लेकिन मैं इनसे उम्मीद करता हूं, इन संस्थाओं से और बाकी भी समाज की संस्थाएं हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक कोर्स ऐसा तैयार करें जिसमें स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से हम धन का या कुछ भी वित्त का अर्जन करें, और जो मेधावी छात्र हैं उनकी शिक्षा के लिए हम पूरी तरह से अपने आप को संलग्न करें और पूरी तरह से अपने आप को उनमें लगाएं। शिक्षा बदल सकती है, शिक्षा परिवार को बदल सकती है, शिक्षा समाज को बदल सकती है, और शिक्षा पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। मैंने, अगर आज मैं कुछ हूं, तो निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग है, पिताजी का है, भाई का है, हर किसी का है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को कहूंगा, आप सभी ने मुझे दिया है, तो वो शिक्षा दी है, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा दी है। तो मैं यहां पर, माताएं भी हैं, वो पिता भी हैं जिनके बच्चे अभी 7वीं 8वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के लक्ष्य छोटे ना बनाएं। हमारा क्षेत्र मार यहीं पे खाता है कि हम सोच लेते हैं कि बस रोजगार परक कोई भी नौकरी मिल जाए काफी है, और शायद ये समय की परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं आप लोग सही भी हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे साथी और हजारों सैकड़ों लोग मैंने देखे हैं जिनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, लेकिन परिवार को आर्थिक संकट से निकालने के लिए वो अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर देते हैं। तो आप उनको
मोटिवेट करिए उनको उच्च शिक्षा के लिए। शिक्षा केवल यहां तक नहीं है, आप बाहर निकलेंगे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहां मैंने पढ़ा है, मैंने देखा, सेम ग्रेजुएशन की डिग्री, मेरी वकालत की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। शायद मैं किसी दूसरे विश्वविद्यालय से पढ़ता तो मैं शायद इस बारे में सोचता भी नहीं कि मैं जज बनने के लिए तैयारी करूंगा। तो मैं आप सभी को कहता हूं कि इस राष्ट्र में शिक्षा की वो संस्थाएं हैं, सरकारी और गैर सरकारी, आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मेरी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी, और शिक्षा नहीं सामाजिक कामों के लिए मैं कहीं पर भी तत्पर रहूंगा, मैं शायद हरियाणा के किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा। यहां पर मेरे बड़े भाई हैं जयवीर शर्मा, ये एक कोल डिस्टेंस दूर है, आप इनको कहिए, इनको जो कह दिया समझ लीजिए मुझे कह दिया, ये आपकी पूरी तरह से किसी भी तरह की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। और मैं जानता हूं कि आप भी सभी जानते हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, न्यायिक क्षेत्र की कुछ न्यूनताएं होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें मुझसे बन पड़ेंगी शिक्षा के क्षेत्र में, यहां पर सामाजिक परिवर्तन के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए, मैं जो भी कुछ कर सकूंगा अपने क्षेत्राधिकार के न्याय संगत चीजें, मैं आप कभी भी निराश नहीं करूंगा। एक बार फिर से आप सभी लोग यहां पे आए, मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं।